इस बीच गाजियाबाद से बड़ी खबर मिल रही है। महामेधा कोऑपरेटिव बैंक में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बैंक में 100 करोड़ की धोखाधड़ी हुई है। आपको यह भी बता दें कि सहकारिता के सहायक आयुक्त ने 24 लोगों पर FIR दर्ज कराई है। साथ ही 2017 में RBI ने बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया था, यह जानकारी भी मिल रही है। वित्तीय अनियमितताओं पर कार्रवाई हुई और खाता धारकों की 100 करोड़ की धनराशि डूब गई है। बड़ा यह पूरा मामला है, 100 करोड़ की धोखाधड़ी की गई और सहकारिता के सहायक आयुक्त ने 24 लोगों पर FIR दर्ज कराई है जिन्हें इस मामले में आरोपी बताया गया है। महामेधा कोऑपरेटिव बैंक है जहां पर धोखाधड़ी हुई, वो भी 100 करोड़ रुपए की। इस मामले को लेकर पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई है और 24 लोगों पर FIR दर्ज कराई है। यह FIR दर्ज कराई है सहकारिता के सहायक आयुक्त ने। जब लगातार वित्तीय अनियमितता की खबर मिली उसके बाद यह कार्रवाई की गई है। हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रमोद, छोटा मोटा नहीं है, 100 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला है, 24 लोगों पर FIR दर्ज है, क्या खबर है आपके पास, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो महामेधा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का जो मामला है, दरअसल RBI ने इसकी 2017 में इसकी लाइसेंस को निरस्त कर दिया था और इस बैंक में 33,000 से ज्यादा ग्राहक है, खाता धारक है। और खास बात यह है कि इसमें जो किसानों को जमीनों के मुआवजे का पैसा आता था सरकारी संस्थाओं से, चाहे वो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण है या नोएडा विकास प्राधिकरण है, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण है, इस तरह की संस्थाओं से जो पैसा आता था वो इन बैंक की शाखाओं में जाता था। तो खासकर जो धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं या जो अपना पैसा जिनका फंस गया है, उनमें अधिकतर जो किसान है जिनकी मुआवजे की धनराशि थी और ज्यादा इस ब्याज और ऐसा सुरक्षित होने के लालच में उन्होंने यहाँ पे जमा कराया था या उन्होंने कहा कि सुरक्षित होगा यहाँ पर पैसा रखना, लेकिन इनके बैंक के जो डायरेक्टर्स हैं या बैंक के जो संचालक थे, इन्होंने उसमें गबन किया, अपने फर्जी कागजात लगाए और अपने तमाम लोगों को इन्होंने लोन जारी कर दिए और इसमें 24 लोग नामजद कराए गए। इसमें जो इस बैंक के चेयरमैन होते थे पप्पू भाटी, उनकी मृत्यु हो चुकी है, बाकी उनके भाई हैं राज सिंह भाटी, इसके अलावा अशोक कुमार चौहान है, अशोक कुमार चावला है, पंकज गुप्ता है, ताराचंद शर्मा समेत 24 लोगों के खिलाफ कुल इसमें मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसके बाद प्रमोद, क्या कार्रवाई की जा रही है? मुकदमा तो दर्ज हो गया है, अभी इसमें मुकदमा दर्ज हुआ है, आगे पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होगा। इसमें सहकारिता विभाग और निबंधक, क्योंकि ये कोऑपरेटिव से जुड़ा मामला है, इसमें FIR कराई गई है, अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी और उम्मीद की जा सकती है कि इसमें तमाम लोगों की गिरफ्तारी भी होगी। बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना है FIR तो दर्ज हो गई है लेकिन अब इस मामले को लेकर पुलिस आगे जांच करेगी और कार्रवाई की जाएगी।